बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय का पार्ट ग्यारह टेसु राजा बीच बाजार टेसु एक तरह का त्यौहार है या एक तरह का खेल है इसे बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है और ये दशहरा के दिनों में मनाया जाता है इस त्यौहार को हम पाँच दिनों के लिए बनाया जा मनाया जाता है पता है इस त्यौहार में क्या होता है कि एक टेसु बनाया जाता है जैसे कि किसे बनाया जाता है जो बाँस की लकड़ियाँ होती है खपचिया होती है वैसे ही उस टेसू टेसु को, को तैयार किया जाता है बनाकर और बीच में एक डमरू लगाया जाता है और उस टेसु के मुंह बनाया जाता है हाथ पांव उंगलियाँ सब बनाई जाती है मिट्टी से और जब वो मिट्टी सूख जाती है तो उस पर क्या किया जाता है रंग किया जाता है फिर उस टेसु को लेकर लड़कों की टोली जो होती है बहुत सारे जो लड़के होते हैं एक साथ उस टेसु को लेकर घर घर जाते हैं और गाना गाते हैं और लोग फिर बाहर आते हैं और उन्हें कुछ अनाज पैसा या दिए जले जितना तेल डालते हैं टेसू की जो टोली होती है यानी कि जो लड़कों की फौज होती है उस टेसू को लेकर हर घर घर जाती है गीत गाती है और वो लोगों से ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं वो सिर्फ थोड़े बहुत पैसे या पैसा नहीं हो तो थोड़े बहुत अनाज या फिर एक दिया जले जितना तेल मांगते तो टेसु क्या है एक तरह का त्यौहार है जिसको दशहरा के दिनों में मनाया जाता है और ये त्यौहार पाँच दिनों के लिए बना मनाया जाता है तो आज हम उसी कविता को पढ़ेंगे कविता शुरू करने से पहले आज हम पढ़ेंगे इस कविता का सारांश कविता का नाम है टेसु राजा बीच बाजार तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इस कविता का सारांश इस कविता के कवि है निरंकार देव सेवक ये कविता किसने लिखी है निरंकार देव सेवक द्वारा रचिता रचित कविता टेसु राजा बीच बाजार ये जो कविता है ये लिखी है निरंकार देव सेवक ने इस कविता में टेसु राजा बाजार में अनार ले रहे क्या ले रहे हैं इस कविता में टेसु राजा बाजार से अनार ले रहे और फिर वो लोगों से पूछते हैं कि जब वो अनार लेने जाते हैं ना तो लोगों से पूछते हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं तो उन्हें अलग अलग तरह के जवाब मिलते हैं तो कोई उन्हें कहता है कि एक झुंड में जितनी भेड़ होती है उतने इस अनार में दाने हैं तो कहीं और जाते हैं फिर वो अनार लेने तो उन्हें वापस जवाब मिलता है कि एक पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने इस अनार में दाने हैं तो कोई उन्हें कहता है कि एक कम्बल में कितने खाने उतने उस अनार में दाने हैं तो इस तरह के जवाब उन्हें वापस मिलते हैं तो अभी हम इस सारांश को पढ़ लेते हैं तो टेसुराजा इस कविता में राजा बाजार में क्या लेने जा रहे हैं अनार लेने जा रहे हैं वे प्रश्न करते हैं कि अनार में कितने दाने वो लोगों से क्या प्रश्न करते हैं कोई भी चीज हम लेने जाते हैं बाजार में तो हम उसका भाव मोल तोल करते तो वैसे ही वो क्या कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं अब अनार में कोई दाने बता सकता है तो अभी वो पूछ रहे है कि इस अनार में कितने दाने तो उन्हें उत्तर मिलता है जितने कंबल में खाने हैं, जितने क्या है? कम्बल में खाने है, उसमें उतने ही इस अनार में क्या है दाने हैं तो फिर क्या होता है तब कम्बल में खा तब कम्बल में कितने खाने हैं इसको भला भेड़ क्यों बताने लगी तो वापस वो जो आगे वाला दुकान वाला होता है वो कहता है कि कि अब ये सवाल आप किससे पूछो किसी भेड़ से पूछो तो वो सोचते कि भेड़ भला क्यों बताएगी कि कम्बल में कितने खाने हैं या फिर अनार में कितने दाने तो वापस उन्हें जवाब मिलता है कि एक झुंड में एक झुंड में उतनी ही भेड़ होती है जितनी की पेड़ पर पत्ते अब झुंड में कितनी भेड़ चलती है कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है तो वो पूछते कि एक झुंड में कितनी भेड़ तो वापस उन्हें जवाब मिलता है कि एक पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतनी इस झुंड में भेड़ है तो फिर क्या होता है टेसु राजा प्रश्न करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं वापस वो क्या प्रश्न करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते पत्ते होते तो इसका उत्तर मिलता है कि जितने गोपी के घर के कपड़े अब गोपी के घर पे कितने सारे कपड़े होते हैं ये कोई बता सकता है कि किसी इंसान के घर पे कितने सारे कपड़े हो सकते हैं तो उन्हें जवाब मिलता है कि जितने गोपी के घर पे कपड़े हैं उतने इस पेड़ पर पत्ते हैं अब गोपी के घर उतने ही कपड़े हैं जितने कलकत्ता में कुत्ते हैं तो वापस उन्हें क्या जवाब मिलता है कि गोपी के घर पे उतने कपड़े हैं जितने की कलकत्ता में कुत्ते हैं अब कलकत्ता कौन गया और किसको पता कि कलकत्ता में कितने कुत्ते हैं फिर क्या होता है निर्कल निष्कर्ष नि, नि, ये निकलता है कि कुल बीस लाख तेईस हजार दाने दाने वाला एक अनार है कितने अनार में दाने हैं कितने अनार में दाने बताए हैं बीस लाख तेईस हज़ार दाने वाला एक अनार है टेसु राजा आखिर में कहते हैं मुझे भी चार दाने दे दो तो बस यही है कविता का सारांश टेसु राजा घर जाते हैं अनार खरीदने और पूछते हैं कि सनार में कितने दाने हैं और फिर उन्हें तरह तरह के जवाब मिलते हैं कि एक पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने ही सनार में दाने हैं गोपी के घर पे जितने कपड़े हैं उतने ही सनार में दाने हैं कलकत्ता में जितने कुत्ते हैं उतने इस अनार में दाने हैं फिर आखिर में उन्हें जवाब मिलता है कि एक अनार में बीस लाख तेईस हजार दाने हैं तो फिर वो कहते हैं कि मुझे भी दो चार दाने दे दो तो अब हम पढ़ेंगे कविता की कुछ पंक्तियां कविता का नाम है टेसू राजा बीच बाजार टेसु मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह का टेसू होता है जिसको मिट्टी और बांस की जो खपचिया होती है उससे बनाया जाता है इसके सारे जो हाथ पांव हैं लकड़ी से बनाए जाते हैं फिर उसके ऊपर मिट्टी लगाकर फिर इसको तैयार किया जाता है जब मिट्टी सूख जाती है तो उसके ऊपर रंग किया जाता है और हाथ नाक कान सब बनाए जाते हैं ठीक है थीके? और फिर इस तरीके से इसको तैयार किया जाता है फिर इसको साथ लेकर जो लड़कों की टोली होती है जो लड़कों की फौज होती है इसको साथ लेकर जाते हैं टेसू को और घर घर जाकर गाना गाते हैं और बोलते हैं कि टेसु राजा आइए लाइए और कुछ हमें दीजिए और ये एक तरह का क्या है त्यौहार है या फिर इसे हम खेल मान सकते हैं इस त्योहार को दशहरा के दिनों में मनाया जाता है और इस त्योहार को पांच दिनों के लिए मनाया जाता है तो आइए अब हम इस कविता की पंक्तियों को गुनगुनाते हैं टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार टेसु राजा कहाँ खड़े हैं बाजार में और क्या ले रहे हैं अनार क्या ले रहे हैं अनार इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने अब टेसू राजा को जवाब क्या मिलता है कि इस अनार में कितने दाने हैं कि जितने कंबल में खाने हैं उतने ही इस अनार में दाने हैं कंबल मतलब क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए कंबल एक ऊन का बना हुआ होता है जिसको ओढ़ने या फिर बिछाने के लिए काम में लिया जाता है सर्दियों में ठीक है अब है कितने हैं कंबल में खाने भला भेड़ भला क्यों लगी बताने तो भेड़ क्यों बताएगी कि इस कंबल में कितने खाने हैं भेड़ बता सकती है कि इस कंबल में कितने खाने हैं फिर क्या जवाब मिलता है एक झुंड में भेड़ कितनी फिर टेसु राजा जो बा वो जो होते हैं वो पूछते हैं कि अब एक झुंड में भेड़ कितनी एक झुंड में कितनी भेड़ चल सकती है या कितनी भेड़ हो सकती है ये कोई बता सकता है तो उन्हें क्या जवाब मिलता है एक पेड़ पर पत्ती जितनी एक पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने इस आ, उतने इस भेड़ उस उतनी ही इस झुंड में भेड़ है उतनी ही इस झुंड में क्या है भेड़ है एक बार वापस से इन पंक्तियों को गुनगुनाते बोलिए टेसू राजा बीच बजा, खड़े हुए ले रहे अनार इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने कितने हैं कंबल में खाने भेड़ भला क्यों लगी बताने भेड़ बता सकती है कि कंबल में कितने खाने नहीं बता सकती है एक झुंड में कितनी भेड़ वापस वो पूछते हैं कि एक झुंड में कितनी भेड़ तो उन्होंने उनको जवाब मिलता है कि एक पेड़ पर जितनी पतिया है उतनी ही इस झुंड में भेड़ है ठीक है आगे देखते हैं पंक्तियाँ क्या है एक पेड़ पर कितने पत्ते एक पेड़ पर कितने पत्ते क्या पूछते हैं वो एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर के लते, लते मतलब यहाँ पर है कपड़े लते मतलब क्या है? कपड़े। ठीक है लते मतलब क्या होता है कपड़े गोपी के घर लते कितने अब वो पूछ रहे हैं कि गोपी के घर कितने लते हैं लते मतलब कपड़े कितने कपड़े ये कोई बता सकता है कि गोपी के घर पे कितने कपड़े हैं नहीं बता सकता तो क्या जवाब मिलता है कलकत्ता में कुत्ते जितने अब कलकत्ता कौन गया किसको पता कि कलकत्ता कलकत्ता में कितने कुत्ते हो सकते हैं तो उन्हें जवाब मिलता है कि कलकत्ता में कुत्ते जितने फिर आखिर में उन्हें पता चलता है कि बीस लाख तेईस हजार दानों वाला एक अनार फिर आखिर में उन्हें क्या जवाब मिलता है कि एक अनार में बीस लाख तेईस हजार दानों का ये अनार है और आखिर में वो कहते हैं कि मुझे भी दे दो चार अनार चार अनार के दाने तो यही हमारी कविता है अब आपको क्या करना है इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं जैसे लते यानी कि कपड़े होता है कंबल खाने पत्ते इन शब्दों को आपको अपनी पुस्तिका में लिखकर दो तीन बार अच्छे से प्रयास करना है और इस कविता को अच्छे से गुनगुनाना है आज के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो फॉलोअर्स ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड लिंक एज Jack and Jill Academy for more information you can also download Jack and Jill Academy's app from play store for online courses related to school education from pre primary to senior secondary level competitive exams like ntsc nda clat jee neet and multi activities like yoga art and craft dance music self defense and many more